जो मसाइब की बातें बयान की जाती हैं उनमें भी कोई ना कोई अमल का पहलू ज़रूर पाया जाता है। मसलन जब ये बयान किया जाता है कि करबला में नमाज ज़ोहर इमाम ने अदा फरमाई तो सहाबी दो अदद खड़े रहे और वो बराबर निगरानी करते रहे कि मौला की नमाज तमाम हो जाए। तो जो कहा था वो ये कि मौला ये वक्त नमाज आ गया है, तो इमाम ने फरमाया कि नाम हाजा अव्वल वक्त सलाह, ये नमाज का अव्वल वक्त है। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तसव्वुर कर लिया जाए कि करबला के मैदान में लोगों ने नमाज अदा की, ये एक पैगाम है कि कितने ही तकलीफ़ कितनी जहमत कितनी परेशानी का वक्त हो नमाज को अव्वल वक्त अदा करना चाहिए। तो ये एक अमल का पैगाम भी है और जब अमली पैगाम दिया जाता है तो उसके साथ अमल को दखल होता है और अमल आगे बढ़ता है।